फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई मतलब एक बड़ी एक्सप्रेशन दी हुई है, आप उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं के मैप। तो के मैप को पूरा हम जानेंगे कि कैसे हम के मैप का यूज करके किसी इक्वेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं, कैसे उसको यूज करके हम बाकी की चीजें ड्राइव कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप आराम से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। के मैप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नेट, गेट, जैम, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में के मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए ये वीडियो आप पूरा देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं के मैप के बारे में। के मैप को समझने से पहले मैं छोटी सी चीज आपको समझाता हूँ। अगर कोई वेरिएबल ए की वैल्यू 1 है तो मैं इसको केवल ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मैं इसको ए बार से रिप्रेजेंट करूंगा। ए बार का मतलब मैं उसको 0 मान रहा हूं उसकी वैल्यू को, और ए का मतलब मैं उसकी वैल्यू को 1 मान रहा हूं। के मैप का अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर देखूं तो के मैप 2x2 टाइप का के मैप हो सकता है, 2x3 टाइप का हो सकता है, 4x4 टाइप का के मैप हो सकता है। इस तरीके से डिफरेंट डिजाइंस के मैप्स हो सकते हैं। अभी हम सपोज 2x2 के मैप पे फोकस करते हैं। तो ये 2x2 के मैप है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी दो वेरिएबल्स हैं। ए की वैल्यू 0 और 1 दोनों हो सकती है, सिमिलरली बी की वैल्यू भी 0 और 1 हो सकती है। अगर मैं इस स्क्वायर की बात करता हूं तो यहां पर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, तो दोनों ही 0 हैं। तो इसका मतलब मैं इस कॉलम को, इस ब्लॉक को लिख सकता हूं ए बार * बी बार, ए भी 0, बी भी 0। सिमिलरली अगर आप इस ब्लॉक की बात करोगे तो यहां पर ए तो मेरा 1 है और बी मेरा 0 है, तो उसको आप लिख सकते हो ए इंटू बी बार। उसी तरीके से इस ब्लॉक को हम लिखेंगे जहां पर ए 0 है, बी 1 है, तो ए बार इंटू बी, और यहां पर ए और बी दोनों 1 है तो इसको लिखेंगे ए इंटू बी। तो इस तरीके से हम किसी भी ब्लॉक में उसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या है वो हम डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन की वैल्यू 1 है या 0 है। 1 है तो हम उसे ए लिखेंगे, 0 है तो उसे हम ए बार लिखेंगे। ये दो एक्सप्रेशन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनको यूज करना बहुत जरूरी है। इनको हम कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर दो वेरिएबल्स का सम हो रहा है और उसका हम इन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर उसको हम इन्वर्टर से पास कराना चाहते हैं तो वो ए बार डॉट बी बार के बराबर होता है, और अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और उसका इन्वर्ट हम करेंगे तो वो ए बार प्लस बी बार के बराबर होता है। तो ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन कि कैसे हम के मैप होता है, कैसे हम उसके हिसाब से वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। अब उसका यूज करना शुरू करते हैं। हम काफी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारे नॉर्मल गेट्स हैं उनको के मैप लिख के उनकी एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और गेट से। और गेट जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें जब हमारे इनपुट्स होते हैं उनका वो सम करने की कोशिश करता है। 0 0 पर वो 0 देता है, 0 1 पर 1, 1 0 1, 1 1 1। तो अगर मैं इसी चीज को, इसी ट्रुथ टेबल को एक के मैप में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं। देखिए ये ए है, ये बी है, इधर 0 इधर 1, इधर 0 इधर 1। तो जब दोनों 0 है मेरे तो वैल्यू 0 आती है। हम इसके अंदर 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम केवल 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस कॉलम को मैंने खाली छोड़ दिया। फिर यहां पर देखिए, यहां पर ए 1 है और बी 0 है। जब ए 1 हो बी 0 हो तो करस्पोंडिंग वाई की वैल्यू 1 आती है, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर यहां पर देखिए ए 0 बी 1, ए 0 बी 1, तो y फिर से 1 आएगा, तो इस कॉलम को भी मैंने 1 कर दिया। और ऐसे ही ये दोनों वैल्यूज 1 होंगी तब भी हमारी वैल्यू 1 आने वाली है, तो ये एलिमेंट भी मैंने 1 कर दिया। अब यहां पर हमें मैक्सिमम 1 का कॉम्बिनेशन बनाना होता है, जितने से ज्यादा 1 को आप कंबाइन कर सको वो हमें देखना होता है। तो आप देखिए इन दोनों 1 को आप एक साथ जोड़ सकते हो, दोनों साथ में है, आपने मिला दिया। तो इस पूरे कॉलम को अगर आप देखोगे तो इस पूरे कॉलम में बी की वैल्यू तो फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है। बी 0 था यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 हो गया, हमें केवल फिक्स वैल्यू से मतलब है। तो इस पूरे कॉलम में केवल ए की वैल्यू फिक्स है, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है। और 1 है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू को इस पूरे कॉलम को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से इस रो की अगर मैं बात करूं तो इस रो में हमारे ए की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले 0 है फिर 1 हो जाती है, लेकिन जो बी है, बी वेरिएबल, उसकी वैल्यू फिक्स है, वो 1 है। तो इस पूरे रो को मैं बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैंने इस कॉलम को ए से रिप्रेजेंट किया, इस कॉलम को बी से रिप्रेजेंट किया, तो दोनों का सम में अगर लिखता हूं तो वाई हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। तो इस तरीके से और गेट की एक्सप्रेशन हो जाएगी हमारी ए प्लस बी के बराबर। अब हम एंड गेट के बारे में अगर बात करें तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल कुछ ऐसे होती है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0
दोनों जब वन होते हैं तभी वन देता है, अदरवाइज वो हमेशा जीरो देता है। तो फिर से हमने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई। अब इसमें देखिए वन केवल एक ही लोकेशन पे आ रहा है, और वो कब आता है जब ए और बी दोनों ही वन वन होते हैं। तो ए और बी दोनों वन वन मतलब हमारे इस वाले ब्लॉक की बात हो रही है और यहां पर वन है, तो इस ब्लॉक को आप क्या लिख सकते हो, इस ब्लॉक को आप लिखोगे ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू वन, तो इसका मतलब ए इंटू बी लिख सकते हो। तो हमारा जो वाई है आउटपुट जो है वो ए इंटू बी के बराबर आ जाएगा। तीसरा देखते हैं नॉर गेट। नॉर का मैंने आपको बताया था कि किसी भी और गेट को अगर एक इन्वर्टर से या नॉर गेट से पास कर दें तो उसे हम नॉर गेट कहते हैं। तो जो आउटपुट यहां पे आपको दिख रहा है उसका जस्ट इन्वर्टेड आपको यहां दिखेगा, जहां पे जीरो है वहां वन हो जाएगा, जहां वन 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 है वहां सब जीरो 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 होगा। तो इस पूरी ट्रुथ टेबल में केवल यही एक एलिमेंट ऐसा है जहां पर हमारी आउटपुट की वैल्यू वन है, तो इसका मतलब जब ए और बी दोनों जीरो जीरो है तभी हमें वन मिलने वाला है। हमारा जो के मैप है उसमें हम इस एलिमेंट को वन कर देंगे, बाकी सब जीरो है तो इसके मैंने लिखे नहीं है। इस एलिमेंट को अगर आप वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना चाहो तो देखिए यहाँ पे ए जीरो है बी जीरो है, तो इसका मतलब इसको आप ए बार लिखोगे इंटू बी बार लिख दोगे। तो हमारा जो वाई आउटपुट आ रहा है वो ए बार इंटू बी बार आ जाएगा। और जो हमारी डिमॉर्गन्स लॉ है उस लॉ के हिसाब से आप ए बार इंटू बी बार को ए प्लस बी का होल बार कह सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी ए प्लस बी का होल बार। इसका मतलब a प्लस बी क्या था, और गेट। इसका मतलब और गेट के आउटपुट को हमने किसी इन्वर्टर या फिर नॉट गेट से पास किया है, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिली है। फिर हम देखते हैं नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट मतलब अगर एंड गेट को किसी नॉट गेट से पास किया जाए तो उसे नैंड गेट कहते हैं। तो अगर इन आउटपुट को आप डॉट गेट से पास करोगे तो जहां जहां जीरो है वहां वहां वन हो जाएगा, और जहां वन है वहां पे जीरो हो जाएगा। तो ये तीनों आउटपुट हमारे वन हो जाएंगे और ये जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको नेट गेट का आउटपुट मिलने वाला है। अब इसकी अगर ट्रुथ टेबल बनाएं, सॉरी के वे बनाएं, तो ये तीन जगह पर वन है, जहां जहां पे वन है दोनों, जब दोनों ही वन है तब वो जीरो आता है, अदरवाइज वो हर कंडीशन में वन रहता है। तो हमें तीन वन मिल रहे हैं इस कॉलम में, आप दोनों वन कह सकते हैं। अब यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज हो रही है तो बी को भूल जाते हैं, ए जो है वो फिक्स है, लेकिन ए की वैल्यू क्या है जीरो, और ए की वैल्यू जीरो का मतलब ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। उसी तरीके से इस रो की अगर हम बात करें तो इस रो में ए की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन बी फिक्स है, तो हम इसे बी बार से लिख सकते हैं क्योंकि बी जीरो था। तो हमें एक ए बार मिला और एक बी बार मिला, तो इसका मतलब हम आउटपुट वाई को लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। और ए बार प्लस बी बार अगर हम डिमॉर्गन्स लॉ यूज करें तो ए बार प्लस बी बार हमारा ए इंटू बी का होल बार होता है, तो इसका मतलब हमारा आउटपुट हो गया ए इंटू बी का होल बार। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि पहले इन दोनों वेरिएबल्स का n से पास किया गया है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, और उस मल्टीप्लिकेशन का हमने फिर से बार किया है, मतलब इसको एक नॉट गेट से पास किया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम केमैप का यूज करके डिफरेंट गेट्स के आउटपुट को सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। अभी हम XOR और XNOR गेट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे 2x3 वेरिएबल केमैप के बारे में, 4x4 वेरिएबल केमैप के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करते हैं XOR गेट के बारे में और XNOR गेट के बारे में। XOR गेट जैसा कि हम जानते हैं कि इसका सिंबल होता है A प्लस के ऊपर हम सर्कल बना देते हैं B। इसकी ट्रुथ टेबल होती है 00 पर 1 0 01 पर 1 10 पर 1 और 11 पर 0। इसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं कि अगर हमारे इनपुट सेम है, दोनों इनपुट 0 है या दोनों इनपुट 1 है, तो ये 0 देता है। अगर हमारे इनपुट डिफरेंट है, 10 11 या फिर 11 दूसरा 0, डिफरेंट इनपुट्स पर ये 1 देता है, सेम इनपुट्स पर ये 0 देता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं तो देखिए 1 कहां कहां पे आ रहा है। 1 आता है जब a 0 हो b 1 हो, a 0 एंड b 1 ये वाले कॉलम पे 1 आएगा। सिमिलरली a 1 हो b 0 हो, a 1 b 0 तो ये वाला कॉलम हमारा 1 हो जाएगा। अब इसमें हमारी ग्रुपिंग कहीं पे हो नहीं पा रही है। ग्रुपिंग का क्राइटेरिया क्या होता है वो आप यहां देख सकते हैं कि जब हम 2x2 केमैप की बात करते हैं, आगे के 2x3 और 4x4 में कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, या तो आप पूरा एक कॉलम का ग्रुप बना सकते हो इस तरीके से, या फिर एक रो वाइज ग्रुप बना सकते हो। यहां पर बस दो तरीके से ग्रुप बन सकते हैं। आप कभी भी ऐसे डायगोनल वाइज ग्रुप नहीं बना सकते, तो ये कोई ग्रुप नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको दोनों वन को अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर आप इस वन को कंसिडर करोगे तो इस वन के लिए देखिए ए है हमारा 1 और बी है हमारा 0। ए 1 है तो इसलिए ए लिखेंगे, बी 0 है तो इसलिए बी बार लिखेंगे। सिमिलरली इस 1 की बात करेंगे तो इस 1 के लिए ए 0 है
और बी वन है तो उसका मतलब ये हो जाएगा ए बार और बी, तो ए बी बार और ए बार बी, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी, ये हमारे एक्स नॉट का आउटपुट होता है। उसी तरीके से एक्स नॉट की बात करते हैं तो एक्स नॉट का सिंबल होता है ए डॉट बी, तो ए डॉट के ऊपर सर्कल लगा दिया, यहां पर ए प्लस के ऊपर सर्कल लगाया था, तो इसकी ट्रुथ टेबल जस्ट इसकी उल्टी हो जाती है। यहां पर क्या हो रहा था कि जब डिफरेंट इनपुट्स हैं तब वन आता है, सेम इनपुट्स पर जीरो आता है, जीरो जीरो पर जीरो, वन वन पर जीरो, इसमें जस्ट उल्टा है, तो सेम इनपुट्स पर वन आएगा, जीरो जीरो पर वन, वन वन पर वन, डिफरेंट इनपुट्स पर जीरो आएगा, जब दोनों इनपुट अलग अलग है तब वो जीरो देता है। इसका भी हम के बाय बना सकते हैं, तो देखिए यहां पर वन आता है जब दोनों जीरो हो या फिर दोनों वन हो, तो दोनों जीरो मतलब यहां पर आएगा और दोनों वन मतलब इस वाली लोकेशन पर आएगा। इसमें भी ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसलिए हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ग्रुपिंग हम देख रहे थे या तो रो वाइज होगी या कॉलम वाइज होगी, तो देखिए इसको आपको अलग से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ए भी जीरो है बी भी जीरो है, तो इसलिए लिखेंगे ए बार इंटू बी बार, और यहां पर दोनों ही वन है, ए वन है बी वन है, तो इसे लिखेंगे ए इंटू बी, तो हम दोनों को सम कर देंगे तो आउटपुट आएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। अब क्योंकि एक्स नॉट और एक्स और में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है कि अगर हम इसको एक नॉट गेट से पास करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको एक नॉट गेट से पास करेंगे तो ये आ जाएगा, तो बेसिकली हम इस एक्स नॉर को एक्स और का इन्वर्सन बोल सकते हैं, ए प्लस बार सर्कल का इन्वर्सन बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के केमैप की क्लास में हमारा इतना ही था, जिसमें हमने 2x2 केमैप्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके हायर लेवल पर जाएंगे, 2x3 केमैप, 4x4 केमैप, तो वो हम डिस्कस करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को आसानी से एक्सेस कर सकें। थैंक यू।